बच्चे। तो ये ना किसी का पालतू डॉग है जो कि ना यहाँ पे आके फंस गया। सो हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ निशांत और अभी हम लोग हैं छत्रू में। पिछले वीडियो में हम यहाँ तक पहुँचे कैसे उसकी कहानी है, वो आप देख सकते हो। भयंकर खतरनाक एडवेंचर हुआ राइड पर। तो अभी हम लोग जो है छत्रू में कैंप करने वाले हैं। छत्रू में हमको एक बहुत बढ़िया कैंपिंग लोकेशन मिल गई है और यहाँ पर हम लोग आज अपना टेंट लगाने वाले हैं। खाना वाना बनाएंगे, जो भी रात के नज़ारे होंगे स्टार्स वगैरह अगर दिखेंगे तो वो भी दिखाएंगे। टेंट लगाते हैं फिर देखते हैं क्या करते हैं। हवा बहुत तेज है यहाँ पर, मैंने कान वन ढक लिए। लगाते हैं टेंट। यार जूते ना पूरे गीले हो चुके हैं, सॉक्स भी गीली हो चुकी है, तो चप्पल पहननी पड़ेगी। जूते सुखाने पड़ेंगे, जब तक धूप है तब तक सूख जाएंगे थोड़े बहुत। तो टेंट जो है हमारा सेटअप हो चुका है। इधर सामने सनसेट होने वाला है ऑलमोस्ट, इधर देखो। और इधर की साइड भी बहुत खूबसूरत नज़ारा है और इधर नीचे जो है चंद्रा रिवर बह रही है। अभी खाना वाना बनाएंगे, सामान रख देते हैं अंदर। तो कॉफ़ी जो है हमारी ऑलमोस्ट रेडी है, बर्तन तो इनको धोने हैं आज। मैं हाथ से घोल देता हूँ कॉफ़ी। ना ना, चम्मच यूज़ करेंगे, सारे बर्तन यूज़ करेंगे। स्पैटुला यूज़ कर लो। आप ले लो, आप लो, आप लो, आप लो, आप लो। बहुत हो गया ये। तो यार अभी रात के जो है 8 बज चुके हैं और बहुत ही ज्यादा ठंड है बाहर। यार हम लोग ना करीब 3200 या 3300 मीटर की हाइट पर हैं, तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ठंड है। माचिस दिया ना। बताओ ना उसको, पहले उसके ऊपर रख दो जला के। जलाने भी नहीं आता तो मैं आपको सुटते बाज थोड़ी हूँ। तो
तो आज ना इस ट्रिप की हमारी लास्ट कैंपिंग है और उसके बाद तो अपन अपने अपने घर पहुंचेंगे। और तुम्हारा क्या प्लान है भाई? घर ही जाना है। घर ही जाना है, घर जाना है, लेकिन किस रूट से जाना है वो इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट है, दिल्ली, वो पता चल दिल्ली होके जाना है या जंस्कार होके जाना है या सच पास होके जाना है वो पता चल जाएगा बाद में। तो फिलहाल तुम्हारे हमारे नहीं मतलब मुर्गी के अंडे बोल रहे हैं। और इधर हमने स्टोव का सेटअप कर दिया है, अपन खिचड़ी विचड़ी बनाएंगे आज, दाल चावल की बढ़िया से, और बटर वटर भी है हमारे पास तो मस्त बटर वटर डाल के खाएंगे। पूरी दाल और चावल ख़त्म कर देते हैं, दाल चावल पूरा ख़त्म कर देते हैं। खत्म हो गए शायद, एक बॉइल्ड हो चुके नहीं, टाइम लगेगा अभी तो बॉयल, पानी बॉयल हुआ अभी तो। ढक्कन लगा दो ना उसका, ढक्कन तो वहीं पे रखा हुआ। अरे और ओवरफ्लो होगा फिर। ये मसाले हमारे, ये हमारे खड़े मसाले, ये चावल बचे हैं, रख दो उसको सील करके। चलेगा कैसे हाथ फिर? कैसे गिर रहा? तो ये मिक्स मसाला जो है हम लेके आए थे, अब ये इसके अंदर डाल देंगे। गर्म हो गया क्या? नीचे रख के डालेंगे। स्पैटूला निकाल निकाल दिया था ना। बस फिर थोड़ी देर लगेगी बनने में, खिचड़ी थोड़ा ठंडा ज़्यादा है यहाँ पर तो थोड़ा बनने में टाइम लगेगा। तो जब तक ये बनता है तब तक हम बाकी सारे काम निपटा लेते हैं, बेड वेड सेट कर लेते हैं, फिर खाएंगे आराम से तसल्ली। तो ये हमारा जो है खिचड़ी का प्रोग्राम सेट हो चुका है। इधर हम जो है ये बना रहे हैं चावल, तो ये चावल बना रहे हैं हमारे एक डॉगी के लिए जो यहाँ पर है, और दो एग्स उसको दे देंगे, बाकी दो दो हम लोग खा लेंगे। तो चावल में मिक्स करके उसको दे देंगे, खिचड़ी जो है उस तो जल रहा है। अरे नीचे घास वास जल रही होगी, जलने दो, जलने दो, कोई बात नहीं। हमारे जो डॉगी जो उसका खाना है उसके अंदर हमने एग्स फोड़ के डाल दिए, फोड़ के नहीं मतलब बॉयल एग डाल दिए इसके अंदर, और ये चार बॉयल एग हम खाएंगे। अभी थोड़ा ठंडा हो जाए ना फिर उसको देंगे हम। प्लेट भी ले आया, प्लेट में डाल के देंगे आराम से, अच्छे से खा लेगा अभी बच्चे। तो ये ना किसी का पालतू डॉग है जो कि ना यहाँ पे आके फंस गया। नो नो नो, खाना बन रहा है इधर नहीं, रुको देते हैं अभी, देते अभी देते 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 इधर आओ इधर आओ। नो बेटा, पलटी कर दो ऐसे डायरेक्ट, पलट जाएगा ना। डाल दो पहले इतना, इतना डाल, ठंडा होने दो, हैं थोड़ा ठंडा होने दो। तो ये जो है ना कोई जर्मन शेफर्ड देसी ब्रीड है, मतलब मिक्स, और ये किसी का पालतू डॉग है जो कि किसी के साथ हम था पास ट्रैक से चल के आ गया है, और बेचारा यहाँ पर अब अकेला है। तो ये हमारे साथ आज डिनर कर लेगा, बहुत कमज़ोर हो रहा है। थोड़ा सा गर्म है, लगा गर्म साइड से खाएगा पहले। खाएगा थोड़ा ठंडा हो जाए ना फिर अपने आप खा लेगा। साइड साइड से खा रहा है, अंडे अंडे खा रहा है निकाल के, चावल छोड़ दिए। गरम लग रहा है चावल, गरम है ना, बहुत गरम है, अभी तो बन के निकाले थे यार। आई थिंक बन गई, बन गया। ओ मस्त बना यार, गल गया ना पूरा, गल गया एकदम परफेक्ट। चलो
आधा आधा कर दो पूरा, आधा आधा कर दो पूरा, आधा आधे से तो ज्यादा ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा है क्वांटिटी। नहीं खा पाएंगे पूरा यार, ज्यादा बन गया, डॉग को दे देंगे। इतना खा लोगे ना? परफेक्ट है। तो जी हमारी खिचड़ी जो है बनके तैयार हो गई है, लेकिन इसमें एक चीज डलेगी अभी इसमें एक चीज, वो है अमूल बटर। सही बना है? मस्त है सर, ठंडा हो इधर, मैंने गर्मा गर्म खिचड़ी खाने को बहुत मजा ही लगे। इसको ऐसे नींबू की तरह नीचे छोड़ जब, हाँ नींबू, नींबू चाहिए, नींबू है ना, नींबू भी है। डॉगी को तो हमने खिला दिया भाई, अपनी बारी हम भी खा लें। गजब बना ना, मस्त एकदम। और वो क्या बोलते हैं, गोटा गोल मिर्च भी दिया ना, क्या ब्लैक पेपर हाँ, काली मिर्च जो हमने, काली मिर्च, जीरा, लौंग, बड़ी इलायची सब डाला है, मस्त लग रहा खाने में। तो देसी घी हमारे पास था नहीं, तो हमने बटर डाल दिया उसमें, तो टेस्ट जो है ना नेक्स्ट लेवल हो गया। गर्मी लग गया, गर्मी आ गई यार बॉडी में, खिचड़ी खाती है। प्यास बहुत लग गया खिचड़ी खाते, भी लगे पानी पूरी नदी है पीछे बैरी। काली मिर्च का टेस्ट ही यूनिक लग रहा है, जब मुंह में आ रहा ना हल्की सी किक मिल रही है। हाँ कुछ ना साउथ इंडियन टाइप का किक मिल रहा है। जो हमारे मसाले हैं ना मिक्स मसाले, उससे खिचड़ी ना अलग लेवल की हो गई। हाँ वो बहुत सारे मसाले डाले हैं हम लोग। ये प्लान भी मतलब दाल चावल का प्लान था कि दाल अलग बनाएंगे चावल अलग बनाएंगे, लेकिन खिचड़ी बना लिया। ये रात का फोटो है, सोचो मस्त आ रहा है, यही इस वीडियो का थंबनेल होगा, यही इस वीडियो का थंबनेल। मेरे को फुलाना है अभी, फूल गई तकिया, मस्त। जैसे सर्दियों में हमने देखा होगा, नहीं 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 मतलब सोचो गर्मी का मौसम है, आप कुछ कर रहे हो पीठ में कोई बर्फ डाल दिया अचानक से, नहीं पता क्या होता है। जैसे आप कभी ट्रेन में ट्रैवल किया हो आपने, तो स्लीपर ट्रेन में जब आप ट्रैवल करोगे ना, खिड़की बंद कर दो, थोड़ी सी नीचे से हवा आती रहती है, ठंड में ना विंटर वो हवा भी बहुत तेज ठंड लगती है। वैसा ही है टेंट के अंदर भी, थोड़ी सी भी हवा आएगी ना, थोड़ी सी भी अगर हवा आएगी तो हमें पता लगेगी। तो फिलहाल अभी हवा जो है बंद हो गई है, तो सुकून है। तो यार हमारा डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है, और लेट गए सोने के लिए, अभी 9:30 बजे रात के। तो हमने जो खाना बनाया था अपना वो तो खा लिया, और हमने डॉग्स के लिए भी खाना बनाया था तो उनको खिला दिया, 2 कुत्तों ने खा लिया। तो ये जो कुत्ते हैं ना यहाँ पर, यहाँ के नहीं हैं ये, यहाँ पे जो है ना छतरू में हमता पास ट्रैक का जो है एंड होता है, तो हमता पास जो ट्रैक करते हैं ना लोग, वो अपने साथ डॉग्स को ले आते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, तो डॉग्स उनके पीछे पीछे आ जाते हैं, और पीछे पीछे आते आते यहाँ तक तो आ जाते हैं वो डॉग्स। लेकिन यहाँ से जो लोग ट्रैक पे आए थे वो तो गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं अपने अपने घर या फिर जहाँ जाना होता है, और ये डॉग्स बेचारे यहीं रह जाते हैं, इनको वापस जाने का रास्ता नहीं मालूम होता। तो इस तरह से ये लोग यहाँ पे आके फंस जाते हैं। अब क्या है कि ये जो डॉग है जिसको हमने अभी खाना दिया है, ये तो कोई पालतू डॉग लग रहा है, और इसका मतलब जो
आप मतलब इसको देखोगे तो आपको लगेगा नहीं कि कोई स्ट्रीट डॉग है, तो मे भी हो सकता है किसी का रह गया या फिर कोई इसको यहाँ पे छोड़ गया है। दो महीने बाद विंटर्स आ जाएंगी, पता नहीं कैसे ये डॉग्स सर्वाइव करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ के नहीं है, ये वहाँ के हैं मनाली साइड के, सिथन विलेज से आए हैं और यहाँ पर फंस गए हैं। अगर कोई कुछ कर सकता है तो ज़रूर कीजिए, मनाली से अगर कोई देखता है तो। तो अभी फ़िलहाल जो है अपन सोते हैं, सुबह मिलते हैं, देखते क्या होता है यहाँ का नज़ारा। गुड नाइट, बाय बाय। बाय बाय नहीं, बाय बाय बाद में करेंगे, तो गुड नाइट। तो गुड मॉर्निंग गाइज, अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और रात को नींद जो है काफ़ी ठीक आई। तुम्हारा कैसा था? मस्त मस्त। तो दोनों एकदम मस्त सो गए थे यहाँ पर, क्योंकि जो है स्लीपिंग बैग जो थे हमारे वो ठीक काम कर गए। ठंड बहुत ही ज़्यादा थी, अभी भी बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। सनराइज़ अभी हुआ नहीं है, तो सनराइज़ होगा उसके बाद बाहर निकल के कुछ सामान वामान पैक करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है यार, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। ठंड में हालत ख़राब हो रहा है, मस्त मस्त हालत ख़राब हो रहा है। मतलब स्लीपिंग बैग के अंदर अल्टीमेट कम्फर्ट, स्लीपिंग बैग के बाहर अल्टीमेट डिसकम्फर्ट। ठंडा ठंडा ये है बाहर का नजारा भाई साहब। इतना सारा अमूल बटर आने वाली है, धूप थोड़ी देर में आएगी। तो कल रात को हमने इसको भी खाना खिलाया था, तो ये अब यहीं पे आके बैठ गई है। रात भर यहीं बैठे रहते दोनों। दूसरा तो चला गया, वो भाग गया ना कहीं। हाँ वो भाग गया। हाँ वो कहीं भाग गया घूमने फिरने, उधर की साइड निकल गया, चतरे भर की साइड। इसने भी खाया था ना, तो ये बैठी हुई है। ये इसने खाया था सुबह को, रात में खाया था इसने। पूछ देखो ना, गिड़े 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 डिंग 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 डिंग। तो यार अभी सुबह के जो है 7:30 बज चुके हैं, थोड़ी थोड़ी धूप जो है हमारे सामने वाले पहाड़ों पर आने लगी है, तो थोड़ी धीरे धीरे जो है धूप इधर की साइड आ रही है, उधर से सनराइज़ हो रहा है। तो अभी थोड़ी देर में धूप हमारे टेंट तक पहुँच जाएगी, फिर टेंट थोड़ा सूख जाएगा ना, फिर हम यहाँ से निकलेंगे। और आप देख सकते हो पानी का लेवल जो है ना वो काफ़ी नीचे हो चुका है, क्योंकि रात में जो है पानी कई जगहों पर जम गया होगा। ये जो काले काले आपको पत्थर दिख रहे हैं ना, ये गीले पत्थर हैं, तो मतलब कल जो पानी का फ्लो था ना वहाँ तक था शाम को, और रात रात में ये फ्लो जो है करीब 2 फुट नीचे हो गया है। तो काली काली आपको पत्थर की लाइन दिख रही होगी ना, ये यहाँ तक पानी था। तो इसलिए जहाँ पर ऐसे तरह का पानी होता है, ग्लेशियर का पानी आता है, वहाँ पर ये बोला जाता है कि अर्ली मॉर्निंग आप अपनी राइड शुरू करो, ताकि आपको जो वाटर क्रॉसिंग्स हैं उनमें पानी बहुत कम मिलेगा, ना के बराबर मिलेगा। और अगर आपने 12 बजे के बाद क्रॉस किया तो पानी मिलेगा, जैसा आपको हमारे पिछले वीडियो में देखने को मिला था वैसा पानी मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा पानी होता है और शाम तक तो वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप क्रॉस ही नहीं कर सकते। तो हमने सही टाइम पर कर लिया था, हालाँकि हमारे टाइम पर भी काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन उसके बाद और ज़्यादा बढ़ गया था वो। अभी जो है अभी सबसे कम रहता है इस टाइम, तो इस टाइम क्रॉस करना सबसे बेस्ट रहता है। तो यार अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और हम लोग छतरू से निकलने वाले हैं। तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी आगे और भी एडवेंचर बाकी है, आगे और भी ऑफ रोड रास्ता मिलने वाला है, तो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे की जर्नी के साथ।